हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो को आगे ले जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन। सो डेस्टिनेशन पे जाने से पहले मैं आपके साथ पहले अपना नाइट स्किन केयर रूटीन भी शेयर करना चाहती थी, जो अभी मैंने रिसेंटली अपने रूटीन में ऐड किया है। सो फर्स्ट मैंने फेस को अच्छे से धो लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYBA का सैलिसिलिन एसिड, क्योंकि काफ़ी एक्ने हो गए हैं तो उनको भी केयर करना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से सीरम को अप्लाई कर लिया है। ये सीरम काफ़ी अच्छा है, इसका स्मेल भी काफ़ी अच्छा है। आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अपने रहे डार्क सर्कल के लिए। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी NYBA का ही अंडर आई सीरम, जो काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है हाइड्रोलिक एसिड, जो आपको जो ड्राई स्किन है वह उसको हाइड्रेट करने में भी काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड जो पफिनेस आई है एंड डार्क सर्कल्स आए हैं, रिंकल्स आए हैं, फाइन लाइन्स आए हैं, उसे भी रिकवर करने में काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी आपको मिलती हूँ सुबह अपने मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन के साथ, फिर अपने हम जाएंगे अपने डेस्टिनेशन के पास एंड आप काफ़ी एंजॉय करेंगे ये वाला ट्रैवल व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो अभी मैं रेडी हो गई हूँ एंड अभी मैं करूँगी मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम, जो सेम मेरे एक्ने के लिए है। सो मैं मॉर्निंग में ये यूज़ करती हूँ एंड उसके बाद थोड़ा सा ग्लोइनेस लाने के लिए विटामिन सी एंड विटामिन B3 भी सीरम यूज़ करती हूँ, जिससे मेरे जो स्किन है वो ड्राई ना हो पाए एंड जो ब्रेकेजेस हो रहे हैं थोड़े थोड़े एक्ने के वजह से वो ना हो एंड मेरी स्किन ग्लोई ग्लोई दिखे। सो ये है मेरा नो मेकअप मेकअप लुक फॉर अ ट्रैवल। सो मैं सिंपली ऐसे ही जाऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि कुछ फेस पे ना रहे एंड सिंपली सीरम के साथ ही मैं अपना पूरा ट्रैवल कंप्लीट करूं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Yeah.